हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दी लॉस्ट स्प्रिंग की। ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है और इसमें अनीश सिंह जी ने तीन चीज़ों के बारे में बात की है। पहला है जो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें कह ये हैं आपके बैंगल्स। अगर आपको नहीं पता बैंगल्स क्या होती हैं तो इसका मतलब होता है चूड़ियाँ। ये जो बताई जा रही हैं ये आपकी है पुअर फैमिलीज की कंडीशन को बताने की कहानी, जो कि फिरोजाबाद में है। अब यहाँ पे एक तीन मैंने कहा आपको तीन चीजों के बारे में है, पहला है बैंगल्स, दूसरी है फिरोजाबाद और तीसरी जो कहानी है यहाँ पर मुकेश के बारे में। मुकेश एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जो बनाती है चूड़ियां, लेकिन जो मुकेश है मुकेश का सपना कुछ और है। क्योंकि मुकेश को अगर आप देखेंगे मुकेश की फैमिली को, तो मुकेश के जो पापा हैं वो बनाते थे चूड़ियां और उनके जो पापा के पापा थे मतलब उनके दादाजी, ये भी चूड़ियाँ बनाते थे और इनके पापा भी बनाते थे चूड़ियाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जेनरेशन टू जेनरेशन जो इनकी पीढ़ी है, जेनरेशन वर्ड आपको याद रखना है, जेनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सभी लोग क्या बना रहे हैं, ये सभी लोग बना रहे हैं चूड़ियाँ। लेकिन मुकेश जो है वो कहानी में एक ट्विस्ट लाना चाहता है और वो चाहता है कि वो बने एक मैकेनिक और वो करे गाड़ियां ठीक। लेकिन क्योंकि उसके जो फादर हैं, उसके फादर ने उसे सिर्फ बनानी सिखाई है चूड़ियां। अब आप इसे उसका फेट कह सकते हैं, उसका भाग्य कह सकते हैं या उसकी सिचुएशन कह सकते हैं। फेट मीन्स होता है भाग्य और या आप उसकी सिचुएशन इसे कह सकते हैं। जो बात मैंने आप लोगों को अभी बताई वही बात आपको क्वेश्चन होगा, हाउ इज मुकेश's एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज। ये है मुकेश की फैमिली, ये है आपका मुकेश। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुकेश और उसकी फैमिली का जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, मतलब सोचने का तरीका, दोनों की के सोचने के तरीके में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये आपको लिखना है, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि मुकेश अपनी फैमिली का जो उसकी फैमिली का जो काम है उसे नहीं करना चाहता और वो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और इन डिटेल में जाएं तो हम कहेंगे कि मुकेश's grandmother thinks that the God given lineage, यहाँ पे एक वर्ड आता है लीनियज। लीनियज वर्ड का मतलब होता है कि आपको एक डायग्राम के थ्रू सिखाऊंगा कि जो उसके दादा थे वो भी क्या बनाते थे बैंगल्स, उसके फादर भी बैंगल्स बनाते हैं और वो खुद भी पीढ़ी दर पीढ़ी बैंगल्स बनाते हुए आ रहे हैं। तो इसी को लीनियज कहा जाता है, जिस काम की जैसे कोई काम है उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं तो इसे हम लीनियज कहा जाता है कि ये एक लीनियज वर्क है। इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया है उन्होंने वर्ड किया है राइटर जो अनीश जंग है, उन्होंने का मतलब है अनीश जंग, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है बैंगल मेकिंग कास्ट। जबकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके जो ग्रैंडफादर से और आज तक वो बैंगल्स बना रहे हैं और उनकी फैमिली चाहती है कि मुकेश भी यही काम करे जो उनके लीनियज से होता आ रहा है, लेकिन मुकेश का एटीट्यूड है चेंज, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब कहानी में हमारी जो दूसरा, अगर आप इसे कैरेक्टर ही मान लें तो कैरेक्टर भी मान सकते हैं, वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक प्लेस है और ये जो प्लेस है ये फेमस है आप लोगों का बैंगल मेकिंग के लिए। तो आपको याद रखना है कि वहां पर क्या बनाई जा रही है बैंगल्स, जब भी मैं राउंड करूं तो आपको याद रखना है कि ये है आपके बैंगल्स। तो ये बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। और यहाँ पे एक और अगर आप याद रखेंगे जो सेंटेंस बनाने के लिए, तो एक वर्ड आपको याद रखना है कि ये है इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, तो सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, आपको ये वर्ड भी याद रखना है। तो अब किस तरह से आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, बैंगल्स मेकिंग एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। एंड जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर सम फैमिलीज, और कोई भी अगर वहां पे आप लोगों को फैमिली मिलेगी तो ये जो फैमिली है ये जेनरेशन टू जेनरेशन वेल्डिंग ग्लास का काम करती है। दे वर्क नियर फर्नेंस, फर्नेंस, फर्नेंस वर्ड को याद रखना आप, क्योंकि ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, इसका मतलब होता है भट्टी, आप लोगों ने देखी होगी भट्टी, ओके, जिसमें आग जलाते हैं और उसमें ग्लासेस को पिघलाया जाता है। सो फिरोजाबाद के बाद अब अगले हम कैरेक्टर में चलते हैं। अगला जो कैरेक्टर है वो है आपका साहिब।
साहेब के बारे में ये है कि वो आए हैं कहां से, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से वो कब आए, वो आए थे 1971 में, जब उनका जो घर था, ये उनका घर बह गया था किसमें, बाढ़ में, स्टॉर्म में, आपको याद रखना है। वो किसके साथ आया था, वो आया था अपनी मदर के साथ में। अब जो साहेब है, साहेब का एक ही काम है, वो है आपका रैक पिकिंग का, और आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक रैक पिकर है। रैक मीन्स होता है कूड़ा, और रैक पिकर बोलते हैं कूड़ा उठाने वाले को। अब वो वहां पर कूड़े के जितने भी ढेर हैं, वो वहां पर ढूंढ रहा होता है गोल्ड। उसे ये आशा होती है कि किसी दिन वह ढूंढ लेगा वहां पर गोल्ड, सोना। तो अभी तक हम तीन कैरेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं, महेश, साहेब, और तीसरा जो हमने कैरेक्टर या आप बोलेंगे प्लेस के बारे में हमने बात की, वो है फिरोजाबाद। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि हजार्डियस कंडीशन, जो हजार्ड मींस बहुत बुरी कंडीशन जो है वर्किंग वुमेन और मेन है उनके बारे में, तो हम उनके बारे बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री की जो हजार्डियस कंडीशन है उसके बारे में आपको पूछा जाता है। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स, ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको देखना है कि इसमें आप सिंपली तीन चार चीजों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो एक छोटे से हटमेंट्स में रहते हैं। हटमेंट्स का मतलब है एक ऐसा, आप याद रख सकते हैं इसको, हटमेंट्स, ये आपका है एक स्मॉल रूम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको याद रखना है कि हटमेंट्स, इस हटमेंट्स में बैठकर उन्हें काम करना होता है। वहां छोटी छोटी आप लोगों को भट्टियां मिलेंगी जहां पर की आग जलाई जाती है और आप लोगों की जो बैंगल्स हैं उन्हें पिघलाया जाता है, उन्हें मेल्ट किया जाता है, ठीक है। भट्टी का मैंने आप लोगों को एक वर्ड अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फर्नेस, तो फर्नेस वहां पर होती है, तो वहां पर काफी गर्मी होती है। और मैंने आप लोगों को बताया कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम वहां पर उजाला होता है, अगर कॉन्टिन्यूसली कोई लो लाइट में वर्क करेगा ओके सालों तक, तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो कोई इंसान इस तरह से काम करता है तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपनी 40-45 की एज में ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, ब्लाइंड, अंधे हो जाते हैं। तो ये है आप लोगों की कहानी द लॉस्ट स्प्रिंग की, और इसी के साथ होती है इस कहानी का अंत। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।